जान को नौकरी मिल जाए, मैं बिट्टू कोई बिट्टू है जो अपनी जान को नौकरी दिलवाना चाहते हैं, चाहे उसकी जान की शादी कहीं हो गई, हे भगवान मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। इसमें इसमें बुद्ध क्या करेंगे, आपको पुत्र चाहिए तो किसी को कोई ऐसी चमत्कारी चीज में नहीं दे सकता जिससे कि वो मेरे से चाहत रखता है। हाँ, वो अवश्य तर्क करेगा, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, अपने आप पर विश्वास करेगा, तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। डेथ हो गया तो एक भाग्य वहाँ से गोली वोली लगी थी, तो कुछ दिन एकांतवास के बाद कहा जाता है कि भोपाल में जब वो गए थे महावीर स्वामी, तो क्योंकि पैसे वैसे उस समय नहीं होते थे, एक किसी कुश्ती की प्रतियोगिता थी, बहुत बलशाली वो था कुश्ती लड़ने वाला जो पहलवान था, तो उसका चैलेंज था कि उसको कोई हराने वाला नहीं था। तो महावीर स्वामी वहाँ पे थे, पैसे का अभाव इतना था कि उन्होंने कुश्ती को एक्सेप्ट कर लिया लड़ने के लिए और उसको हरा देते हैं। और जब अपना कपड़ा उतारते हैं तो लोगों में मैसेज आता है अंग्रेजों में कि तो वही महावीर स्वामी है, यहाँ गोली लगा वहाँ गोली लगा, तो फिर अंग्रेज उसको पकड़ उनको पकड़ना चाहे तो फिर वो इधर उधर अपना महावीर हो गए थे वो अकेले उठा के और 1876 में जब हरिबल नाम का एक यादव समुदाय थे जिस जंगलों में जब वो अपना भैंस वैसे चराते थे तो इसे पूरा मिट्टी का ढेर था, तो लोग जैसे बरसात आता है तो घरों को छप्पर ऊपर को मिट्टी उट्टी खनने में, तो एक जब मिट्टी की खनाई हरिबल कर रहे थे तब यहाँ पे ये भगवान बुद्ध की मूर्ति उन्होंने देखा, और जैसे गाँव में होता है कि अरे पूछ है पूछ है पूछ है, तो लोगों ने छोड़ के इसको भागा गाँव के लोग। सेम ऐसा ही घंटा साल तो 1800 लगभग 76 में इस मूर्ति को प्रकाश में आया हरिबल के नाम से, लेकिन कार्नाइल जो अध्यक्ष था उसने डिफाइन किया कि ये मूर्ति भगवान बुद्ध की। तो फिर 1884 में यहाँ पे महावीर स्वामी आए थे, चूँकि 1000 रुपये एक कोई दानदाता ने दिया था, खेसारी बाबू उनका नाम है, कलकत्ता के रहने वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उस समय महावीर स्वामी का 1000 रुपये डाकू ने लूट लिया था। तो फिर 1884 के बाद वो फिर वापस चले गए कुछ दिन रहने के बाद, फिर वो 1891 में महावीर स्वामी ने अपने शिष्य चंद्रमणि थेरो को लेकर आए थे जो बाबा साहब के धर्मगुरु हैं। तो 1851 में से प्रॉपर यहाँ पे महावीर स्वामी के शिष्य चंद्रमणि थेरो छोटे से थे, उनको लेकर फिर वो यहाँ पे आए थे और यहीं पे कुटिया बना के यहाँ पे रहना शुरू कर दिए। और वो मंदिर वो मूर्ति नहीं यहीं के थे, वो वर्मा से लाए थे बनके। हाँ, वो चूंकि वर्मा उस समय देश का ही पार्ट था, वर्मा उस समय देश का पार्ट था, तो अब फिर 1935 के बाद ही वर्मा अलग हुआ ना। हाँ, तो इसी की वजह से फिर यहाँ पे आए चंद्रमणि थेरो साहब और महावीर स्वामी, यहीं पे अपना कुटिया बना के रहते थे। मंदिर को कोई प्रभावित न करे उसकी वजह से उस समय क्या होता कि इतना इतना सुरती उरती रख लेते थे, लोगों को सुरती खिलाते थे कि तुम लोग उधर मत जाओ, इधर ही गाय चरा के अपना जाओ, कि मूर्ति को प्रभावित न करे, मूर्ति को कोई डैमेज न करे, तोड़े ना, तो इसके वजह से मूर्ति भी सेफ रहा। लोग पहले आते थे जब पता चल गया कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है तो लोग दान उन करने के लिए क्या होता दूर से, पहले का क्वाइन भी बहुत मजबूत होता था तो लोग ऐसे दान करने के लिए ऐसे मारते थे, तो जगह जगह पे छिद्र हो जाता था, मतलब चोट लगती थी, तो उसके वजह से महावीर स्वामी साहब ने उस पर चीवर चढ़ाने की परंपरा को शुरू किया और दान रक्षा जो पैसा है इसमें चढ़ाओ। भंते चंद्रमणि जी फिर ज्ञानेश्वर जी को लाए। हाँ, भंते नहीं, चंद्रमणि जी ने ज्ञानेश्वर जी को नहीं लाया जी। उनके बाद मतलब वो है धम्म कीर्ति भंते भी आए जी। और वो आपके हैं एक भंते जी हैं भाई, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो चंद्रमणि थेरो जी के पहले आए थे, फिर चंद्रमणि ये हमारे गुरु जी आए भदंत ज्ञानेश्वर। हाँ, और भदंत ज्ञानेश्वर जी 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 वंदे चंद्रमणि जी के शिष्य। हम तो कांग्रेस के नेहरू साहब और वर्मा के साथ दोनों लोगों ने मिलकर जो वर्तमान स्थिति है।
अभी लीजिए into the sound. हे भगवान फोर्स में नौकरी हो जाए, हे भगवान मेरे मामा की जिंदगी सुधर जाए, बुद्धि बढ़ाए मेरी पत्नी का। इस तरह के इपिक्स, इस तरह की थिंग्स लोगों ने यहाँ पर लिखी है। मेरे साथ मुसाफिर सर है। बुद्ध कहते थे खुद को मानो फिर जानो फिर अपने ऊपर प्रैक्टिकल करो। यहाँ लिखते हैं हे भगवान मैं पतली हो जाऊं, खाएगी इतना तो पतली कहां से हो जाएगी। यहाँ लिखा है
हे भगवान मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। इसमें इसमें बुद्ध क्या करेंगे, आपको पुत्र चाहिए तो। यहाँ लिखा है हे बुद्ध भगवान मेरे मामा को पुत्र प्राप्ति हो, हे बुद्ध भगवान मुझे पुलिस बनना है, कृपया अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। आपकी हाइट ही 4 फुट की है भाई, कैसे पुलिस में नौकरी लग जाएगी। संतोष इधर भी दिखाओ सब भाई। हे भगवान मुझे NDA ऑफिसर बनना है, कृपया करें। 10वीं पास की नहीं है, NDA ऑफिस बनेंगे। मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, मेरे सपनों को पूरा कीजिए। चलिए ठीक है, मैं जो चाहूँ पूरा हो जाए। तुम चाहते हो जो सूरज अभी हमारे पीछे छिप उग रहा है वो तुरंत छिप जाए, कैसे संभव है। मेरा परिवार खुश रहे, चलिए ठीक है आपका परिवार खुश रहे, ऐसे मतलब जय श्री राम जय बजरंग बली, आप हमारे हमेशा ऐसे साथ रहिए। पता ही कितने बेवकूफ लोग हैं जो बुद्ध की शरण में आके दूसरे भगवानों की इससे यहाँ पर विनती कर रहे हैं। हमारा विद्यालय परिवार कंपटीशन में हमेशा अव्वल आए। सर क्या मतलब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने ये लिखे हैं? चाहत है मेरी सुनया से शादी हो जाए। हे भगवान अपने पापा का सपना पूरा करना है तो हे भगवान मेरे मेरे पति मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहे और सलामत रखिए। मुझे एक बाबू देना भगवान। हे भगवान मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाए, बाबू चाहिए भगवान जी। निशा मैडम जी आई लव यू, मतलब भगवान मेरे मेरी मनोकामना पूरी करे। अभी एक बड़ा अच्छा मैंने एक देखा था मेरे पापा मम्मी को। चलिए ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी ये हे भगवान मेरी पता नहीं आता लिखते लिखते भूल गया। तो ये तमाम चीजें के स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक स्लोगन मैंने अभी पढ़ा था, अभी आपको दिखाया था, सब्सक्राइब भी लिख रखा है कि किसी यूट्यूबर ने कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हे भगवान मेरी जान को नौकरी मिल जाए, मैं बिट्टू कोई बिट्टू है जो अपनी जान को नौकरी दिलवाना चाहते हैं, चाहे उसकी जान की शादी कैसे हो गई। सर ये मतलब ये मतलब लोगों की जो भावनाएं हैं उस चमत्कार के साथ जुड़ी है, जो दूसरे जो वैचारिक मतभेद के लोग हैं जो जिन्होंने पाखंड अंधविश्वास बुराया डर फैलाया दिमाग में, क्या ये सब उन्हीं का प्रतीक नहीं नजर आते हैं? देखिए बुद्ध ने तर्कवाद और आपके विश्लेषणवाद को जन्म दिया जी, वैज्ञानिक सोच को बुद्ध ने जन्म दिया, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमारे लोगों को कितना जागरूक कर रहे हैं जी और उन्हें कितना तर्कशील बनाना है और स्वतः पर भरोसा रखें जी। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं किसी को नौकरी नहीं दिलवा सकता जी, किसी को कोई ऐसी चमत्कारी चीज में नहीं दे सकता जिससे कि वो मेरे से चाहत रखता जी। है हाँ वो अवश्य तर्क करेगा, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, अपने आप पर विश्वास करेगा तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। लेकिन जितनी बातें जितनी चीज़ें हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, जो लोग भी अपने मनोकामना के लिए जी। ऐसी उम्मीद बुद्ध से रखते हैं, एक्चुअल में इससे लगता है कि उनके अंदर अभी तर्क करने की क्षमता डेवलप नहीं हुई है और न ही उन्हें स्वयं पर विश्वास है और न ही वैज्ञानिक सोच है। इस सोच को डेवलप करने की जिम्मेदारी हम सभी जागरूक लोगों की है कि ऐसे लोगों को ये बता सकें कि इस भावना से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, बल्कि इससे आप अंधविश्वास में जाएंगे, पाखंडवाद से जाएंगे। और बुद्ध ने स्वतः कहा कि एक्चुअल में ये पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर रखने का जो उन्होंने मार्ग दिया, और इसीलिए कहा दुनिया में दुख है और दुख का कारण है जी और दुख का निवारण है और उपाय है। और ये बुद्ध ने जब 4 आर्य सत्य दिए, नोबल ट्रुथ दिए, तो उनको ये पता नहीं यदि किसी को नौकरी नहीं मिले तो उसे मालूम होगा या होना चाहिए कि एक्चुअली उसको मेहनत करना है। तो इसलिए दुख है, फिर दुख का कारण है और उसका निवारण है, और बुद्ध ने उसको उपाय बताया अष्टांगिक मार्ग दिए। इसलिए स्वतः पर लोगों को विश्वास करना चाहिए, अपने तर्क पर अपनी सोच पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। यही बुद्ध की जो मार्ग था उस पर हम सबको चलना चाहिए। यही आज के दिन कुशीनगर से तथागत बुद्ध के परनिर्वाण स्थली से यही मेरा संदेश, तो ये नहीं कह सकते बस ये है कि ये सुझाव है कि बुद्ध के मार्ग पर हम लोग चलें, यही हम सबकी मंगल कामना करेंगे। मेरी यहाँ पर अपील भी है, जो लोग इस तरह के धार्मिक स्थलों पर या इस तरह के ऐतिहासिक जो विश्व विख्यात जो जगह है वहाँ पर जाते हैं,
तो कम से कम इस तरह की भावनाएं उकेरित ना करें, इससे गंदगी होती है और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो जब इनको पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं परिहास का पात्र भी बनते हैं, तो अपने आप को ऐसा परिहास का पात्र ना बनने दें जिससे कि लोग आपके ऊपर हंसे। कम से कम ऐसी जगहों को तो आप छोड़ दिया करें, मेरी इतनी सी अपील है। धन्यवाद सर आपका बताइए।